अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मोहम्मद अहमद। आज ईएमएस की क्लास में नहीं थे? अच्छा, जी सर, सर मैं सिटी में था, पता ही नहीं चला। मैं वापस आया भी हूँ, क्लास हो भी गई है, पता ही नहीं चला सर। सिटी गाड़ी में थे या सिटी शहर में थे? अच्छा, नहीं सर, सिटी शहर में था। आई मीन होंडा सिटी में थे शायद। और नेट, जैसा कि नेट भी नहीं चल रहा था तो कुछ पता ही नहीं चला। लिंक आई भी, क्लास हो भी गई, वापस भी हो गया, आ गया मैं और खत्म भी हो गई। हाँ, वो ईएमएस की रखी थी आज। सर हमारे पेपर्स ऑनलाइन नहीं होंगे? अहमद क्या कह रहे मोहम्मद? मैं कह रहा हूँ सर हमारे पेपर्स ऑनलाइन नहीं होंगे फाइनल। यार कह रहे हैं कि ऑनलाइन अगर नहीं हुए, लेट हुए तो फिर ऑनलाइन नहीं होंगे, नहीं तो ऑनलाइन होंगे, कुछ कंफर्म नहीं है। अच्छा, नहीं क्योंकि आज उसने सर ने बात करी थी एडीएसपी वाले ने, डॉक्टर मंजर साहब ने, उन्होंने क्या कह रहे थे वो? उन्होंने ये कहा था कि ज्यादातर चांसेस ये हैं कि हम एग्जाम्स लेट लेंगे, एक महीना लेट लेंगे और क्लास में लेंगे, क्लास और क्या लेंगे, क्लास में लेंगे, यूनिवर्सिटी में लेंगे। वो ज्यादा अच्छा है। फिजिकल एग्जाम हो जाए तो वो उस, क्योंकि उसका रिकॉर्ड भी होता है हमारे पास। हाँ ये तो है सर। नॉन फिजिकल में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो पेपर जो है ना, वो बड़ा सोच समझ के बनाना पड़ता है। नहीं सर, जैसा कि अब क्लासेस, अब उनका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, अब पूरा सब्जेक्ट जब ऑनलाइन हुआ है तो फिर वो क्लास, अगर पेपर अभी ऑनलाइन हो जाए तो फिर बेहतर रहेगा। हाँ पेपर देखो अब क्या होता है, कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अल्लाह मालिक। वैसे सर नॉर्मली ड्यूरेशन क्या है पेपर्स का, सितंबर में? हाँ सितंबर में ही होगा, 4 सितंबर के बाद, या हो सकता है 4 सितंबर को। अस्सलाम वालेकुम सर। तनवीर वालेकुम अस्सलाम अमजद, क्या हाल है? सर, अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी आज प्रेजेंटेशन थी, जिसके अंदर सुबह 2 3 दिन से मेरे पास कॉल भी आ रही है, एक जीशान, जीशान से ज़रा रब्ता करें। जीशान जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, उन वो अगर ऑनलाइन होते हैं तो उनकी आज प्रेजेंटेशन थी, तो उनसे कह दें अगर। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी सर, जी सर जी आवाज जी आ सर रही आपकी है। क्लास आवाज आ रही है। ये मोहम्मद अहमद, ये जीशान से तो रब्ता करो, जीशान जो जी इलेक्ट्रिकल। सर, उसी में लगा पड़ा हूँ मैं, फिर व्हाट्सएप पर उसी से ही लगा पड़ा। सर क्या कह रहे जो है ना 8 बजे अवेलेबल होगा। सर रिप्लाई नहीं कर हेलो सर, रहा। जी हेलो सर जीशान जो है ना 8 बजे हम अवेलेबल होंगे। जीशान जो है ना अच्छा, वो अभी ऑफिस से घर पे जा रहे हैं सर। रास्ते में हो जी जी सर, रास्ते में है, मैं भी रास्ते में हूँ सर, आप हमारा उनके एक ही ग्रुप, ग्रुप है, मैं भी ट्रेवलिंग कर रहा हूँ अच्छा आप भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कितनी देर में पहुंचेंगे जी आप सर, लोग? हमारा एक ही ग्रुप है सर। मैं तो कल सुबह में ही पहुंचूंगा, तो मैं टेलीफोन वगैरह पे दे देता हूँ। जीशान साहब 8 बजे पहुंच रहे हैं सर। अच्छा चलो, क्यों रास्ते में कहाँ पे जा रहे हो, गांव जा रहे हो क्या? सर नहीं सर, गांव से वापस कराची के लिए आ रहा हूँ सर। जी अच्छा, क्या ट्रेन में बैठे हुए आप? नहीं सर, बस पे। सर और आपके ग्रुप में तीसरा कौन है? बदर इकबाल और अजीम आशिक कहाँ है वो दोनों? वो दोनों भी नहीं है। सर, वो बदर इकबाल अवेलेबल हो रहा है सर, और अजीम भाई भी अवेलेबल हो रहे हैं। अजीम भाई का आज 11 से 2 बजे तक पेपर था सर, इस्लामाबाद में सर।
तो इसलिए सर सुबह को बड़ा अनशेड्यूल। अच्छा, और बाकी जो है क्या नाम है, बदर इकबाल कहाँ है सर? बदर इकबाल ऑनलाइन हो रहे हैं सर, मैं आपसे करता हूँ बदर इकबाल। तो अभी इन सब का वेट करना पड़ेगा आप लोगों का। तो आप शुरू कर दें इश्फाक। अच्छा, जीआईएस का भी है, जीआईएस के काफी काफी मतलब काफी वीक्स हो गए उसकी क्लास नहीं हुई, तो उसका उसका भी बता दें आप लोग जो बाकी जीआईएस के स्टूडेंट्स हैं। तनवीर सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम प्रेजेंटेशन भी दे देंगे, ईएमएस की भी और जीआईएस की भी, दोनों इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। ठीक है सर, मैं जीआईएस में नहीं हूं लेकिन ईएमएस में तो हम लोग कल परसों तक दे देंगे ईएमएस। मैं, अमजद, शहरयार और हसन। ठीक है, जीआईएस का सॉफ्टवेयर मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन वो रन नहीं हुआ मेरे पास, क्योंकि वो एक्सपी पे चलता है, पुराना वर्जन है। तो अगर और किसी और के पास है तो मुझे बता दे, या अगर वो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अभी। ये सर आप सर आतिफ को जानते हैं जो सुपारको में काम करते? सर आतिफ को, आतिफ को जानता हूं मैं मेरे ख्याल में। या सर डॉक्टर वकार से तो बातचीत है ना आपकी? हाँ, नहीं सॉफ्टवेयर है मेरे पास लेकिन वो इंस्टॉलेशन उसकी या क्रैक वर्जन है मेरे पास, वो क्रैक वर्जन नहीं। मैं इस वजह से कह रहा हूँ आपसे, मैं इस वजह से ही कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप सर आतिफ से बात करें वो अभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल एंड है और सिर्फ पहले उनसे राबता करो, पंचायत हो जाएगी। उनके पास भी है, क्या नाम है, जो हमारा एसजीएस ग्रुप है, फहद साहब, अदनान सिद्दीकी। फहद साहब आपके पास है? जी बिल्कुल सर, हमारे पास है। आपके पास है ना जीआईएस का सॉफ्टवेयर? हेलो हेलो, हेलो जी जी सर, आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है आवाज मेरी? आ रही है सर। जी सर, आपकी आवाज तो आ रही है सर। ये जो क्या नाम है, ये एसजीएस ग्रुप है, इनके पास मेरे ख्याल में जीआईएस का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये तो वही बता सकते हैं। फाहद सलीम साहब हैं, अदनान अहमद सिद्दीकी साहब हैं, वसीम सर। मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तो लेबोरेटरी से ज्यादा ताल्लुक होता है, ये फाहद ज्यादा बेहतर बता सकते हैं इनके पास। फाहद साहब से, फाहद साहब से पूछें जरा। सॉफ्टवेयर तो है सर, मुझे देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा वर्जन है और अभी उसका अगर कहीं क्रैक वर्जन मिलता है तो उसको ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है सर। अगर वो सॉफ्टवेयर तो कुछ भी ना, सॉफ्टवेयर तो होगा आपके पास। सॉफ्टवेयर जो है वो क्या नाम है, कोई से भी वर्जन हो, बस उसके टूल्स हमने सीखने हैं कि टूल्स कैसे यूज करते हैं और वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कम से कम एक प्रैक्टिकल हमारा हो जाएगा वो। बिल्कुल सर, सर वो ऑफिस के एक कंप्यूटर में है, वो मुझे जो है एक अपने किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा सर, घर के कंप्यूटर पे। तो अगर आप उस पे इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो वो हमें इंस्टॉलेशन भी बता दें कैसे होती है, हम उसका सेशन रख लेंगे। मैं सर मैं देख लेता हूँ उसको, मैं कहना कर लेता हूँ सर, और उसके बाद फिर है ना एक सेशन रख लेंगे सर। ठीक है, कल कल आप देख लीजिएगा लाजमी, क्योंकि फिर कल इसकी जो है क्लास रखनी है हमने। ठीक है सर, मैं कल देख लूंगा। सर आज का एजेंडा क्या है सर, प्रेजेंटेशन है इसमें? इसमें प्रेजेंटेशन है, अब तो टाइम बिल्कुल, लेक्चर्स तो कंप्लीट ही हो गए थे 14 वीक्स के, बस इसको मैं वाइंड अप कर रहा हूं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह बस ये है कि ऑनलाइन सिस्टम खत्म हो जाएगा। सर मैं इससे कह रहा था सर, आज मुझे मेरी जरी कहीं अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना है, तो 10 मिनट में मुझे निकलना है, तो सर प्लीज 10 मिनट बाद आप निकल जाइए, कोई इशू नहीं। ठीक है, अच्छा ग्रुप आया नहीं अभी तक, क्या नाम है, इश्फाक।
इश्वाक भी गायब हो गए। हेलो हेलो इश्फाक अहमद, आप लोगों की तो हो गई थी ना प्रेजेंटेशन, तलहा इफ्तिखार और ये मुबशिर। जी सर हो गई है। सर हमारी भी हो गई। तनवीर आपकी भी हो गई थी? जी सर। थर्मल कंफर्ट पे था ना आपका? तो सर हमारा था कंपोनेंट्स ऑफ थर्मल कंफर्ट फॉर इफेक्टिव प्रोसेस। इफेक्टिव प्रोसेस कहाँ है ये लोग? अगर आते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं, नहीं तो 8 बजे का कह रहे थे सर, वो 10 मिनट हैं। मैसेज आ रहे थे कि हमारी प्रेजेंटेशन लेने कल परसों से आ रहे हैं मैसेज। मैं किस तरह ना दिया। अच्छा एक चीज मैंने पूछनी थी। हेलो जी सर, आ रही आवाज? आवाज आ रही है जी सर। पेपर की जो मार्किंग होंगी आपकी वो 15 मार्क्स की, तो आपकी प्रेजेंटेशन रख लेता हूँ मैं। जी सर ठीक है। 15 नंबर तो ही हो जाएंगे। 5 नंबर के 2 क्विज या 1 क्विज मैं अपलोड कर दूंगा, वो क्विज आपने बना के देने। जैसे HVAC का मैंने थर्मल कंफर्ट के हवाले से दिया था, वो तो सर ऑलरेडी बन गए तो ठीक है। वो आपने बन गया है, जिन्होंने खैर बहुत सारों ने भेजा भी है। जी सर ईमेल किया था। 5 मार्क्स में उसके हो जाएंगे। जी सर 15, 5, 20 तो यही हो गए। 30 मार्क्स जो है वो आप लोगों के जो है वो उसके मिट के हो गए और फाइनल जो है वो आपके 50 का होगा। सर मिट के मार्क्स तो बता दें। मिट के मैंने चेक ही नहीं किया अभी। चलो आगे दे दें, कुछ चेक तो किए होंगे। आपने मुझे बोला था कि तन्वी, मैंने आपको बताया था उसके मेमन साहब के नंबर होगा ना, तो आपने कहा था कि अच्छे दिए हैं, मैंने आपको इससे भी कम दिए, इसका मतलब पेपर चेक हो गए। नहीं नहीं मैंने चेक ही नहीं किया। सर आप पकड़े गए सर? क्या कह रहे हैं? कह रहे हो आप पकड़े गए, आपने पेपर चेक किए हैं? नहीं नहीं मैंने वाकई चेक नहीं किए, मैंने शायद कह दिया होगा। कुछ मैंने चेक किए थे, वो शायद GIS के थे, शायद GIS के मैंने कुछ लड़कों के चेक किए थे। उसके बाद जो है ना मेरे पर काम ज्यादा आ गया था, तो फिर वो अंडर ग्रेड के पेपर भी अभी चेक करने मैंने। ये मुनेश गीर, आपके ग्रुप की हो गई प्रेजेंटेशन? नहीं सर अभी तक तो नहीं हुई है। आपका ग्रुप कहाँ है? सर अभी तक तो ऑनलाइन ही नहीं है, क्योंकि मैं हूँ, नितेश हूँ और एक और भी है, नाम में आप सब देंगे। 15 मार्क्स हैं इसके, 15 नंबर किए। सर बस वो बंदे आ जाए, हम तो देने के लिए रेडी हैं। अच्छा तो उसको जल्दी तैयार करके प्रिपेयर करके दें। टाइम मेरे पास आज 16 तारीख आ गई है, बस मैं 30 तारीख तक पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह। सही। और कोरोना की क्या सूरत हाल है? खत्म हो गया सर। सर ना थी ना है, खत्म हो गया ना? यानी कोरोना था, ऐसा नहीं कि नहीं था, बट सर थी नहीं तो खत्म कैसे होगी? नहीं कोरोना था तो सही, इंतकाल तो है बहुत सारे लोगों का। सर अपने जानने वाले हैं सर, बहुत ज्यादा लोग अफेक्टेड। पंजाब में बहुत मरे हैं बेचारे। पंजाब के अलावा सर हमारे अपनी टीम के, मतलब रजबी की बात कर रहा हूँ, हमारे जो हैं GM, देन हमारे मैनेजर और फायर सेफ्टी के असिस्टेंट मैनेजर, सर ये 4-5 लोगों को कोरोना हुआ और एटलीस्ट वो 1.5 महीने वेंटिलेटर्स पे रहे हैं सर घरों में। ओए होए अच्छा भाई, मुझे भी हुआ था लेकिन मैं भी अभी बच गया हूँ अल्लाह के करम से। सर ये तो अपनी आंखों से देखा हाल बता। बहुत ज्यादा हुआ था मुनीश? सर बस हालत ऐसी हो गई थी, 2 महीने बेड रेस्ट पे था, साइड पे हुआ था। ओहो अभी बस शुक्र है सही है, मेडिसिन खा खा के अभी भी बलगम। इसमें क्या होता है? नेगेटिव आ गई थी। सिम्टम्स क्या होती है इसकी? सर सिम्टम्स ये होती है, शुरू में आपका
फीवर होता है, फीवर ऐसा होता है जो आपको फीवर 3 दिन तक छोड़ता ही नहीं है, कोई भी मेडिसिन ले लो फीवर आपका नहीं उतरेगा, नहीं कम होगा। अच्छा, उसके बाद आपको फिल्यू है और कफ हो जाती है, नजला होता है इसमें, नजला सर हेडेक बहुत रहता है, हेडेक कम बिल्कुल ही कम नहीं होता, और बैक पेन जो होता है ना वो भी होता है इसके अंदर। अच्छा जी सर, फिर मेडिसिन क्या देते हैं सर? मेडिसिन मैंने क्रेविट थी, 3-4 और एंटीबायोटिक थी वो ली थी मैंने। अच्छा, लेकिन एंटीबायोटिक तो मना की जाती है, एंटीबायोटिक तो कहते हैं वो इम्यून सिस्टम खराब कर देती, रोग खराब कर देती। नहीं सर, कुछ इलाज ही नहीं था, पेनाडोल असर नहीं कर रही थी, क्रेविट खाई हुई थी, क्रेविट के साथ फिग्जिट खाई हुई थी और 2 मेडिसिन और थी, नाम तो मैं भूल गया हूँ, अभी याद नहीं है सर। हमारे जो जीएम है वो एटलीस्ट 1 month एंड 20 days वेंटिलेटर पे रहे हैं, घर में रहे, मतलब वेंटिलेटर पे उनको तकरीबन 20-25 दिन रखा है, घर में ही उन्होंने पूरी अरेंजमेंट्स करवाई थी अपने, लेकिन ये कि बहुत ही उनकी कंडीशन वेरी सीरियस कंडीशन, मतलब क्रिटिकल। उन्होंने अपनी पिक्स जी जब उन्होंने अपनी पिक्स शेयर की तो समझ नहीं आ रहा था कि वाकई वही है, मतलब उनसे बोला तक नहीं जा रहा था, बिल्कुल ही हालत बहुत खराब थी उनकी। अच्छा, ये खतरनाक चीज है इसका मतलब? एग्जैक्टली सर, केसेस तो यहाँ लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं है, नहीं है, केसेस हैं और डेथ्स भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट ये है कि अभी कम रेशो कम है, रेशो कम हो गई, अभी कम हो गई है सर। सर वैसे भी अब दोबारा न्यूजीलैंड के अंदर भी केसेस हो रहे हैं और चाइना के अंदर भी दोबारा हो रहे हैं, इसका मतलब इसका सेकंड स्पेल भी आ रहा है, सेकंड वेव जो है कोरोना। हां यार, ये है कि बस वो से कह रहे हैं कि सर्दियां फिर खुदा ना खास्ता खतरनाक हो सकती हैं जो विंटर है। जी एग्जैक्टली सर। अच्छा, अब मेरे ख्याल में अब तो आ जाना चाहिए इन लोगों को। बदर, बदर है कौन है? नहीं, इश्फाक, इश्फाक अहमद, इश्फाक अहमद सफर कर रहे हैं ना, हालांकि इनकी वजह से मैंने मीटिंग सेट की। अब ये सारे जो है ना, ये क्या नाम है, जिशान की वजह से। जिशान से रابطہ तो करें। मैं तो आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बदर, आप इन्हीं के ग्रुप में? जी जी, मैं इनके ग्रुप में हूँ। तो बदर, आप स्टार्ट कर दें। ऐसा कर लेते हैं, मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं आपको बना देता हूँ होस्ट। मैं इसको शेयर कैसे करूँगा क्योंकि मैं सेल फोन से हूँ। आपके पास क्या नाम है वो प्रेजेंटेशन? नहीं है, प्रेजेंटेशन है मेरे पास लेकिन मैं सेल फोन से ऑनलाइन। एक सेकंड, मैं बस मुझे 2 मिनट दे, मेरा लैपटॉप भी ऑन कर लेता हूँ। हाँ, लैपटॉप ऑन कर ले अपना, ताकि जो है ना उससे इजीली हो जाए। अच्छा, ये सेमेस्टर कुछ लंबा नहीं हो गया ये मुझे महसूस हो रहा है? बहुत ज्यादा लंबा हो गया, 7 महीने मेरे ख्याल से 6ठा महीना है ये। हाँ, अच्छा खासा लंबा हो गया। अप्रैल में स्टार्ट किया था हमने, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, 5वां महीना चल रहा है। सर वैसे फाइनल पेपर कब है और पेपर ऑनलाइन होंगे या देना पड़ेगा, मतलब ऑफिस में आके? मैं कई दफा बता चुका हूँ कि फाइनल पेपर सितंबर में होंगे, यानी कि सर 15 तारीख के बाद ही होंगे क्योंकि 15 तारीख के बाद खुल रहा है सब कुछ। नहीं नहीं, 15 से पहले होंगे सर, यानी ऑनलाइन ही लेने का इरादा है इनका। हाँ, अभी तक तो यही है क्योंकि जो इस्लामाबाद वाले वहाँ पे तो हो चुके हैं पेपर्स, वहाँ हो गए लेकिन हमने अभी स्टार्ट नहीं किए। अच्छा, वहाँ पे भी ऑनलाइन हुए थे बदर? हाँ, वहाँ पे ऑनलाइन हुए हैं। वो अजीम जो है वहीं इस्लामाबाद से है ना, वो कौन? अजीम आशिक। नहीं, अजीम आशिक जो है तो पेपर वो यहाँ ले रहा है। हाँ नहीं, इसमें हो सकता है ना, एक आप यहाँ से भी कोर्स उठा सकते हैं, उसने ये वाला कोर्स जो है ना यहाँ पे उठाया, पिक किया है HVAC का। वहाँ पे क्या क्या कैसे चल रहा है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में क्या क्या हो रहा है? ये सर इस बार नहीं, ये इस बार हो सकता है क्योंकि इस बार वो ऑनलाइन का आ गया था ना सारा, इस वजह से उसको वो ये रियायत मिल गई, वरना अदरवाइज ऐसा होता नहीं है कि एक आप यहाँ से करें एक वहाँ से करें। अच्छा, ये बदर, ये क्या नाम है इसका, वहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं? वहाँ पे नहीं, मुझे, मैं तो हूँ तो इलेक्ट्रिकल का, लेकिन मुझे इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, वो अजीम आशिक जो है उसी को पता था। अच्छा। क्योंकि वो वहीं पे वापडा, एक्चुअली वो वापडा में जॉब करता है ना।
हाँ तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। यस यस ऐसे ही है। तो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, बना दूँ? ठीक है आप मुझे बना दे मैं इंटरनेट को क्या होता है। बदर इकबाल मैंने आपको होस्ट बना दिया। ठीक है सर, मैं अभी बस अपनी प्रेजेंटेशन वैसे पहले शेयर कर देता हूँ ताकि जो है मैं उसको ये क्या है डॉक्यूमेंट। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? नहीं। निशान कहाँ है बदर? निशान भी आ रहे हैं, बस वो आ रहे हैं। उसका प्रेजेंटेशन किधर गई? वो मैसेज भी कर रहा है आई थिंक ना निशान भी। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हुई है? स्क्रीन नजर आ रही है, मोबाइल की नजर आ रही है। प्रेजेंटेशन भी अगर आपको आ गई होगी। ऐशरे है ना? यस यस। ऐशरे और अजीम आशिक है ना मेंबर? यस, एक अजीम आशिक है, इशफाक है, जिशान है और मैं खुद ही। नहीं वैसे ऐशरे का आप मेंबर भी है ना, किसी कोई सर्टिफिकेशन भी की हुई है? नहीं उसका मुझे नहीं पता कि उसने की हुई है कि नहीं। अजीम आशिक ने लिया हुआ सर्टिफिकेट? हाँ आई थिंक क्योंकि इससे अभी वापडा से पहले वो तो था, वो एक कंसल्टेशन कंपनी है जो HVACA का काम करती है। सही, उसी के था। ओके अच्छा मुझे बस दो मिनट दे जरा। हैं ठीक है मैं जरा ये कर लूँ दो मिनट। वैसे मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है ना आपको? जी जी भाई हो गई है। दो मिनट जरा। हेलो ऐशरे पे तो अच्छी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए आप लोगों को। अजीम आशिक कहाँ है, वो क्यों नहीं ऑनलाइन हुए? हेलो स्टार्ट करें सर, पता नहीं कहाँ गए वो, मैं नहीं हूँ सर। तो भाई अथॉरिटी उनके पास है, हम मैं कुछ कर भी नहीं सकता। एक सेकंड सर।
हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, स्टार्ट करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है। सर वो इशफाक अहमद रिक्वेस्ट कर रहे हैं ग्रुप में इन्होंने के लिए, वो भी आई थिंक करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता नंबर है। एक सेकंड मैं इनको चेक कर लेता हूं। ऐसे करो यार, तीन लोग हैं, मैंने तीनों को कर दिया। हेलो इशफाक, हेलो इशफाक जी, हेलो हेलो। हाँ चलो मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन, ठीक है। हेलो यार, ये कौन प्रेडिक्शन की स्टार्ट हो रही है? चीन यार न्यूज स्टार्ट हो रही है। को बड़ा कर लें, ठीक है सर। सर ये इससे ज्यादा बड़ी हो नहीं सकती मेरे ख्याल से, ये फुल ही है A4 साइज। अच्छा यूं बनाइए? हां ये मैंने एक्चुअली PDF पे बनाई है, तो इसलिए ये। चलें स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। सर ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक है, आज जैसे हमारा टॉपिक है एशरे का, ठीक है, और एशरे क्या है आज हम सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे कि एशरे है क्या। तो एशरे का जरा इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है कि एशरे जो बना था, जो फाउंड हुआ था, एक्चुअली 1894 में हुआ था, ठीक है। और इसका मकसद ये था कि जो ये है कि HVAC की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बेहतरी लाए और ह्यूमन फ्रेंडली जो है वो कर सके, यानी इसको इस तरह का एक सिस्टम बनाया जाए जो कि इंसानों के लिए बेहतरीन हो और उसमें कोई इस तरह के मसले मसाइल जो हैं वो ना हो। ठीक, उसके बाद जो है एशरे करता क्या है, एशरे के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका काम है कि वो जो एक स्टैंडर्ड राइट्स करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड लिखता है, उसकी पब्लिश करता है, और जो एशरे के बिल्कुल भी जो जो एजुकेशन है, जो HVAC से रिलेटेड एजुकेशन है, उसके ऊपर ये फोकस करता है, ठीक है। और इस तरह एशरे का जो स्लोगन मैंने आई थिंक इस पे साइड पे लिखा हुआ भी है कि एशरे का स्लोगन क्या है कि शेप्स टुमारो बिल्ट एनवायरनमेंट टुडे। तो इसके हम मजीद इसके बारे में करते हैं कि एक्चुअली जो आपका एशरे जो है, जो फॉर्म हुआ था, एक्चुअली जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था 1959 के अंदर, ठीक है। उससे पहले जो इसकी जो इसका जो एब्रिविएशन था वो था ASHAE, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। तो बाद में जो है ये फाउंड हुआ था 1894 के अंदर, ठीक है। जो एशरे जो एक्चुअल इसका जो मर्जर हुआ था वो हुआ था 1959 के अंदर। तो जब मर्जर होने के बाद जो एक्चुअली इसका जो नेम था वो एशरे पड़ा, जिसको हम अगर फुल फॉर्म कहें तो वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स कहलाता है, ठीक है। और एशरे और एशे मिलके बने थे। जी जी, पहले ये था जो आपका 1959 में जो सॉरी 1894 के अंदर जो फॉर्म हुआ था वो था एशे के नाम से था, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, यानी ASHAE, ठीक है, ठीक है। फिर एक और गवर्निंग बॉडी थी जो उसका नाम था एशरे, ASRE, जो कि उसका मतलब था अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इंजीनियर्स, जो कि फाउंड हुई थी 1904 के अंदर, सही, ठीक है। और फिर इस तरह जो है ये ASHAE और ASRE इन दोनों का मर्जर हुआ था 1959 के अंदर,
then this is called x-ray. ठीक है और इसके थोड़ा हम इसके ऊपर चलते हैं, ये पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पर जो बताई हुई है। तो फिर थोड़ी सी हम इसके एच बी ए सी के जरा बैकग्राउंड पे चले जाते हैं कि एक्चुअली हु इज द मैन बिहाइंड एच बी ए सी। तो पूरे जो हमारे जो एच बी ए सी सिस्टम है इसके पीछे जो एक मेन जो इंसान थे, अजीम इंसान, उनका नाम था डॉक्टर जॉन गौरी। ठीक है आगे। ठीक है, जिनके अब ये तो बताना नहीं, इनके ये तो बताने की जरूरत ही पड़ेगी कब वो पैदा हो गए कब ये, लेकिन उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बताएंगे कि हेलो। हाँ ये मैंने कहा ये डिस्कस हो गया था पिछले, यस फहद साहब के ग्रुप ने भी इसको बताया था। तो इसको मैं मजीद कोई इसके बारे में बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि एक्चुअली ये ही वाज द मैन बिहाइंड एचवीएसी। ठीक है, फिर हम इस तरह एचवे के ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो फिर हम जरा आगे चलते हैं जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचवे स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो वैसे जो एचवे के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो तो काफ़ी हैं, मतलब उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो तो बेसिकली एचवीएसी के अंदर जो यूज़ होता है वो है 170। हाँ 170। ठीक है, उसका तो 170 जो है एक्चुअली यूज होता है एचवे का ना, तो उसको तो आगे कर लेता हूँ जो कि प्योरली एच पी एस सी के लिए यूज होता है। तो फिर उसमें नीचे अगर देखें तो वही जैसे यहाँ बताया कि देयर आर मेनी स्टैंडर्ड्स, वी विल एक्सप्लेन स्टैंडर्ड 170। तो उसके अंदर जो है ये कुछ चीजें हैं जिसमें टाइप ऑफ आइसोलेशन रूम्स हैं, डिजाइन क्राइटेरिया है, डिजाइन कॉन्सेंट्रेशन है, देन डिजाइन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिर हम आते हैं टाइप ऑफ आइसोलेशन रूम्स के अंदर। तो कितने टाइप्स के जो है वो आइसोलेशन रूम्स होते हैं, ये वाला पेज है जिसमें हम अगर देखें तो एक होता है एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये जो एक्चुअली जो यूज होता है जो इन्फेक्शन डिजीज जो होते हैं, ठीक है, जो पेशेंट्स के अंदर जो मतलब जो पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट्स को वहां रखा जाता है। ठीक है, इन एयरबोर्न इन्फेक्शन। बदर जी 170 क्यों लिया आपने, 170 ही क्यों लिया एशरे का, 170 ही क्यों लिया है? क्योंकि इसके अंदर जो है एक्चुअली इन्होंने, मैं आपको इसकी जरा डिटेल बता देता हूँ 170 ही हमने क्यों लिया है। नहीं एक्चुअली नहीं, हम जो है हम जिस बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं ना वो 170 के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो काफी स्टैंडर्ड्स जो हैं पूरे वो यूज होते हैं। ठीक है, वो तो डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, फिर डिफरेंट चीजें होती हैं जो मॉल्स वगैरह उनके हिसाब से जो होता है। क्योंकि हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो टाइप ऑफ आइसोलेशन रूम्स जो है एक्चुअली जो आपके मेडिकल फैसिलिटी जो है उससे रिलेटेड जो है उसको डिस्कस कर लें कि उस वहाँ पर जो है ये इस तरह 170 यूज होता है। ठीक है, तो उसके बारे में ये नीचे बताया हुआ है टाइप ऑफ आइसोलेशन रूम्स जो हैं। तो इसमें अगर देखें तो थ्री टाइप्स ऑफ आइसोलेशन रूम्स हैं जिसमें एक एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन है, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन एनवायरनमेंट रूम्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पीई रूम्स। ठीक है, तो आगे इनकी फिर छोटी सी डिस्क्रिप्शन है कि एयरबोर्न जो है सिंपली वो जो जहाँ पर जो इन्फेक्शन डिजीज होते हैं। ठीक है, एयरबोर्न इन्फेक्शन डिजीज जिसे हम टीबी भी कहते हैं, जस्ट लाइक टीबी जो पेशेंट्स के अंदर होती है, तो उनको इस तरह के रूम्स में रखा जाता है। तो वहाँ पे इस तरह के जो है आपका आइसोलेशन रूम बनाया जाता है। क्योंकि आगे डिज़ाइन क्राइटेरिया है वो पूरा जो एक्सप्लेन करेंगे वो वैसे अजीम और वो आपको निशान जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा, हमें सिर्फ 5-6 मिनट रह गए तो वो अभी तक, चलो मैं आइसोलेशन रूम को खत्म कर देता हूँ। सर मैं डिफाइन कर देता हूँ इसको। निशान, निशान बोल रहे हो? ठीक है, आप इसको डिजाइन कर दें आगे। ठीक है, अच्छा सर मैं बदर की बात को लेके शुरू करूंगा कि हम Hello? जी सर, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने बदर को ही बात को आगे लेके चलूंगा, और हमारा यहाँ पे जो बेसिकली आइसोलेशन रूम लेने का पर्पज है वो ये है कि एशरे इटसेल्फ या एचवेक सिस्टम जो कमर्शियली अवेलेबल हुआ फर्स्ट टाइम जो डॉक्टर जॉन गौरी ने दिया, उसका इटसेल्फ जो पर्पज था वो मेडिकल पर्पज था। क्योंकि डॉक्टर जॉन गौरी वो इटसेल्फ यानी कोई वो पीएचडी साइंटिस्ट नहीं थे, वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे। और जब जो फ्लोरिडा है
वहाँ पोस्टेड थे, वो जब उन्होंने वहाँ पे देखा कि कुछ येलो फीवर जो था सर वहाँ पे उस वक्त वो एक एपिडेमिक की सूरत में था, तो उन्होंने उसको उन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए एक बकेट्स ऑफ आइस रखे गए और उनके ऊपर आइस को ब्लो करवाया गया, तो उन्होंने देखा कि उससे पेशेंट्स की जो बेसिकली कंडीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और उसके बाद एक मलेरिया का केस हुआ फ्लोरिडा उसी में, तो उन्होंने जो बेसिकली डेवलपमेंट की वो मेडिकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए किया। अच्छा अच्छा, मैं एक और उसमें रिसेंट एग्जांपल सर ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप विकी पे भी देखेंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिसको हम आपने सुना होगा एक पेंडेमिक है स्पेनिश फ्लुएंजा, स्पेनिश फ्लुएंजा जो सर 50 to 80 million पीपल उसमें डेथ हुई थी और उसका कॉज ऑफ जो बेसिकली डिस्पर्स था स्प्रेड था वो भी कहते हैं हॉस्पिटल से, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके बिल्कुल कंटिन्यूस के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली, तो उस दौरान 1 to 10 lakh रोज पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते थे और ऑब्वियसली क्योंकि वो वहाँ पे केमिकल उनकी ट्रीटमेंट होती थी, तो कहते हैं कि जो मेन सोर्स ऑफ स्पेनिश फ्लुएंजा जो स्प्रेड हुआ और थ्रू आउट द यूरोप में फैला वो भी कहते हैं हॉस्पिटल्स थी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर जो पेशेंट्स थे जो एयर बॉर्न ट्रांसमिशन के लिए जिनको रखना चाहिए था वो प्रॉपर एचवैक सिस्टम नहीं था, तो इसलिए सर वो कहते हैं कि जो हॉस्पिटल्स जो है मेन सोर्स। और मैं भी रिसेंट कोरोना की भी आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना में भी सर एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी आई है, मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि वुहान तो एक एपिसेंटर था लेकिन कहते हैं वुहान से जो स्प्रेड हुआ वो कहते हैं एचवैक सिस्टम जो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं या जो हॉस्पिटलाइजेशन है वहाँ एचपैक सिस्टम जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स पे नहीं था, क्योंकि अगर सर हम आइसोलेशन रूम की बात करते हैं तो आइसोलेशन रूम्स पे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं, कैनेडियन स्टैंडर्ड्स हैं, चाइनीज स्टैंडर्ड्स हैं, चाइनीज आपको पता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को नहीं मानते, चाइनीज और रशियन है वो एक डिफरेंट बाउंड्रीज पे नेशनल क्या नाम है जीशान सिर्फ 2 मिनट रह गए, आपका टॉपिक जो था वो ऐश्रे पे था और ऐश्रे से रिलेटेड और क्या था, मतलब ऐश्रे के हवाले से आपने और क्या देना था? मैं उसी बात पर आना चाहूंगा सर, मैं उसमें असल में आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऐश्रे सिस्टम क्या है सर, ठीक है, और उसकी इम्पोर्टेंस ऑफ, क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है आइसोलेशन रूम क्योंकि डिफरेंट पेंडेमिक्स की वजह से इसलिए हमने उसको ये सिलेक्ट किया गया है सर। चले अच्छा आगे चले, अब टाइम बहुत कम है, अब क्या करना है इसका आपसे ऐश्रे क्या चीज है और ऐश्रे क्या होता है इसके स्टैंडर्ड्स इसके सर ऐश्रे मैं आगे आपको वही बताना चाहूंगा सर, जो हमने पत्रकार नीचे आना डिजाइन के क्राइटेरिया में अब सर ये देखिए ये है एक सेंट्रल कंट्रोल ऑफ डिजीज है जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है सर और एक ऐश्रे स्टैंडर्ड है, ठीक है सर। अब सर उसमें अगर आप देखें सीडीसी की हम बात करते हैं तो वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वो एड्रेस नहीं करता, लेकिन जब हम ऐश्रे स्टैंडर्ड जो बात करते हैं जो आइसोलेशन रूम्स पे है वो डिफाइन करता है कि मिनिमम जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो 60% है और मिनिमम जो है वो 20% है, ठीक है। मैं इसके साथ आपको एक सर एक रिसेंट स्टडी हुई है जो ऐश्रे की अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उन्होंने बताया कि अगर इन केस ऑफ अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो इसमें बताई गई है, हाँ मैं बंद हो रहा है, मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ आप, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, आप कोशिश करें इसको अगर बड़ा कर दें, ठीक है, ठीक है, लैपटॉप पे खोल लें, लैपटॉप पे अगर खोल सकते हैं तो लैपटॉप पे खोल लें, एक सेकंड में देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चेक करें आपको बड़ा नजर आ रहा है? हाँ आप नजर आ रहा है बड़ा, ओके ओके ना फिर हाँ नजर आ रहा है अब सही, ठीक है ठीक है, चलिए अभी दोबारा करते हैं इसको, फिर मैं इसी तरह इसको जो है आप लिंक भेज दूंगा, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।